पास यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, ए बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट डी अबव द ग्राउंड, ठीक है। सो यहाँ पे एक ग्राउंड है हमारे पास और एक बॉल को यहाँ से फॉल करा दिया गया, फेंक दिया गया यहाँ से डी अबव द ग्राउंड, ठीक है। ये हाइट जो है आपकी ये डी है अबव द ग्राउंड, एंड उसके बाद कहा गया है इट हिट्स द ग्राउंड बाउंसेस अप, ये हिट करती है ग्राउंड को उसके बाद बाउंस बैक करती है ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड टू हाइट डी बाई टू, ठीक है, डी बाई टू तक ये बाउंस बैक करती है यहाँ पे। निगलेक्टिंग द सब्सिक्वेंट मोशन एंड रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट करना है, वेलोसिटी वी वेरीज विद हाइट, किस तरीके से फ्रॉम द ग्राउंड हम कंसिडर कर रहे हैं, ये आपका जब नीचे जा रहा होगा ये नेगेटिव होगा और जब ऊपर जा रहा होगा पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो यानी कि ये क्लियर हो गया कि डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती, फॉल जब हो रहा है और जब अप जा रहा है दोनों डायरेक्शंस आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट रहने वाली हैं, तो यानी कि इसके हिसाब से ऑप्शन बी गलत है आपका, ऑप्शन डी भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन बी ऑप्शन डी इसलिए गलत है क्योंकि डायरेक्शन सेम है यहाँ पे, डायरेक्शन लेकिन रिवर्स होनी चाहिए, ठीक है। तो अब करेक्ट आंसर हमारे पास या तो ए आ सकता है या सी आ सकता है, तो अभी दोनों में हमें यहाँ पे एक्चुअली अभी किसी पर टिक नहीं करते हैं, तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा, ए और सी में से कोई आ सकता है। हमें पता है कि हम इक्वेशन थर्ड, एक थर्ड इक्वेशन न्यूटन्स लॉ हम थर्ड लगाएं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। अब आपका यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो वी स्क्वायर टू ए एस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड है जो कि यहाँ पे डी दे रखा है, टू ए डी भी लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। सो यहाँ से क्लियरली पता चल गया कि वी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो अगर आप वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बना रहे हैं तो दैट इज दैट विल बी व्हाट दैट विल बी पैराबोला, ठीक है, एंड इट विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन, सो सी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है अगेन, ठीक है, वहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ए ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि यहाँ पे पैराबोला दे रखा है। कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ कंप्लीट होगा, ठीक है, इस तरीके से इसको मैं थोड़ा सा और परफेक्ट कर्व बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इट विल बी अ पैराबोला एंड इट इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज डी। सो होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच।